لو كان آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش لما يصفون. अगर आसमान और ज़मीन में खुदा के सिवा और माबूद होते तो ज़मीन और आसमान धर्म भरम हो जाते। जो बातें ये लोग बताते हैं खुदाए मालिक अर्श उनसे पाक है। ये बात इन्होंने अपने तकब्बुर और ज़िद की वजह से कही। जिस तरह फिरौन ने हज़रत मूसा से कहा था कायनात का रब क्या है, क्योंकि ना कुफ्फार मक्का रहमान से बेखबर थे और ना फिरौन रब के कायनात से बेखबर था। आयात के अल्फाज से यही मालूम होता है कि रहमान के बारे में इनका सवाल इनकी उसी से लाइल्मी का नतीजा नहीं था, बल्कि इनकी सरकशी का नतीजा था। वरना अल्लाह ताला ने इनको सजा ना देता बल्कि शाइस्तगी से बताता कि वो खुद रहम करने वाला है। इसके अलावा तारीखी तौर पर यह बात मशहूर है कि अल्लाह के लिए रहमान का लफ्ज़ ज़माना कदीम से अरब में आम इस्तेमाल होता है। तमाम उलमा का कहना इस बात पर इत्तेफाक है कि यहाँ सजदा तिलावत का हुक्म दिया गया है।